मै गोइंग टू स्टार्ट सेम चैप्टर चैप्टर टेन एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसका बेसिक्स देख लेते हैं ना बेसिक्स देखते हैं तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखा है पॉलीगोन पॉलीगोन की डेफिनेशन है अ पॉलीगोन इज अ फ्लैट सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दैट आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्लोज फिगर मतलब पॉलीगोन्स uh, ऐसे शेप्स होते हैं जो जिनमें स्ट्रेट लाइन्स होती हैं और क्लोज फिगर होता है बस इतना याद रखना है ना स्ट्रेट लाइन कितनी भी साइड्स हों जैसे रेक्टेंगल में चार साइड्स होती है ना उसको भी हम पॉलीगॉन्स बोलेंगे क्यों क्योंकि स्ट्रेट लाइन के साथ फिगर क्लोज है ये देखो ये कितनी लाइन्स है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लाइन्स है तो ये भी पॉलीकॉन है क्लोज फिगर है ये भी क्लोज फिगर और ये भी क्लोज फिगर सब में स्ट्रेट लाइन है लेकिन देखो ये ओपन फिगर है पॉलीकॉन नहीं है इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है पॉलीकॉन नहीं है इसमें स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये फिगर क्लोज नहीं है ओपन फिगर इसीलिए पॉलीकॉन नहीं है ओके तो पॉलीगॉन क्लियर हुआ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अ रेगुलर पॉलीगोन लिखा हुआ देखो अ रेगुलर पॉलीगोन इज अ पॉलीगोन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ओके एक रेगुलर पॉलीगोन वो पॉलीगोन होते हैं जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं याद रखना है ना तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स हैं कुछ रेगुलर पॉलीगोन के इक्वलिटल एंगल आप सबको पता है नंबर ऑफ साइड्स थ्री इसमें क्या होता है थ्री साइड्स इक्वल ठीक है स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल रेगुलर पेंटागन में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल रेगुलर हेक्सागन में भी सेम ऑल साइड्स इक्वल रेगुलर हेप्टागन में भी ऑल साइड्स इक्वल और ऑक्टागन में भी ऑल साइड्स इक्वल ये फिगर है एक चीज़ याद रखना है literal, मतलब थ्री साइड्स स्क्वायर फोर साइड्स पेंटागन फाइव हेक्सागन सिक्स हेप्टागन सेवन और ऑक्टागन एट साइड्स होते हैं ओके दिस मच इज सफिशेंट फॉर एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से एक्सरसाइज में आ, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना है एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग्स आर पॉलीगॉन और नॉट इनमें पॉलिकॉन है या नहीं यस yes. तो ये यस yes. ये क्लोज फिगर नहीं है तो नो no. ये कर्व है तो नो no. ये यस स्ट्रेट लाइन है ये कर्व है नो no. ये ओपन फिगर है तो नो no. आइडेंटीफाई द करफ एज ओपन और क्लोज फिगर आइडेंटिफाई द कर्फ एज ओपन और क्लोज फिगर आपको बताना है ये ओपन फिगर है और ये क्लोज फिगर है देन ड्रॉ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं करना है मैंने आपको ऐसे ही बताया है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो ड्रॉ द रफ स्केचेज ऑफ फॉलोइंग रफ स्केचेज बनाने है आपको पॉलीगॉन विथ फोर साइड तो एक स्क्वायर बना लेना ठीक है या फिर एक रेक्टेंगल बना लेना पॉलीगोन विथ नाइन साइड अब ऑक्टागन में ऐसा शेप बनाए ऑक्टागन मतलब एट साइड्स ऐसे होते हैं ना तो नाइन साइड्स का एक फिगर आप अपने आप से बनाओगे ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर थ्री भी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस मच इज इन दिस एक्सरसाइज है ना तो इतना ही है बस कुछ भी नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सब कुछ सही बनने लगेगा ओके अप टू नाउ थैंक यू देन वील मे एन एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री थैंक यू